अब भागेगा वोडाफोन आइडिया, कितना और जा सकता है ऊपर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस, उनके बिजनेस का एनालिसिस, मैंने सारा कुछ यहाँ पर इस चैनल के ऊपर करके रखा है। आज एक नई खबर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए आता हुआ मुझको दिखा, तो यहाँ पर उसके ऊपर चर्चा करना मैं आपके साथ यहाँ पर ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो खबर इनके लिए आया है वो खबर इनके लिए कैसा रहेगा, और इस खबर के चलते स्टॉक में अगले आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर रह सकता है, तो इसी के ऊपर चर्चा होगी। छोटा सा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सही जगह पर आए हैं, सब्सक्राइब करके रखिए, आपको फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिए जो खबर निकल के आई है, यूके टेलीकॉम मेजर वोडाफोन ग्रुप PLC ऑन फ्राइडे ओन ए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया ओवर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड यहाँ पर मतलब यहाँ पर दोस्तों स्पेलिंग के ऊपर मत जाइए, थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल स्पेलिंग लगा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस टैक्स की बात करें तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अगर किसी को माने, या फिर पुराना किसी एक कोई एक ब्याज वगैरह यहाँ पर कुछ बकाया था, वो सारा कुछ के ऊपर एक इन्होंने एक अर्जी यहाँ पर दायर की थी, जो यहाँ पर 20,000 करोड़ का इनको यहाँ पर रिलीफ मिला। तो इसको इसके चलते अगर आप देखें तो फ़ायदा किसको होगा, देखिए लोग यहाँ पर सोचेंगे कि फ़ायदा वोडाफोन को नहीं होगा, वोडाफोन की जो पेरेंट कंपनी है, वोडाफोन जो यूके में जो इनका पेरेंट कंपनी है उनको होगा। तो मैं ये मानकर चलता हूँ अगर यहाँ पर बाप को अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है तो बेटा उसका फ़ायदा ज़रूर यहाँ पर उसको भी होगा, मैं ये मानकर चलता हूँ। आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अलग सोचेंगे कि यहाँ पर अगर अगर नहीं दिया पैसा वो तो मतलब सोच रही ये लॉस मेकिंग कंपनी सारा अगर बन जाए, तो ये सारा कुछ सोच रहे हैं। तो मैं यहां पर पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूं वोडाफोन आइडिया के ऊपर, मैं टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर अभी आज की डेट में मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 25 सितंबर 2020 की मैं आज की डेट में यहां पर इंडिया के अंदर देखे तो टेलीकॉम कंपनियों की बुराई नहीं कर सकता। अगर आप मेरे से पूछे तो मुझको यहां पर टेलीकॉम सेक्टर में से अगर पूछे तो कौन सा स्टॉक मुझको सबसे ज्यादा खराब लगता है, तो मैं यहां पर एक भी स्टॉक का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझको टेलीकॉम सेक्टर में से कोई भी स्टॉक खराब नहीं लगता। बिजनेस की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन इनका बिजनेस है, और ये खबर देख के लोग यहाँ पर भर भर के खरीदारी करने लगे। लोग यहाँ पर देखिए, लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के अंदर ये इस खबर के चलते ही लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, लोग यहाँ पर एक होप लेकर भी बैठे हैं कि ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक हमको आगे आने वाले दिनों में अच्छा बिजनेस करता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने नाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर चेंज भी कर लिया, देखते हैं क्या कुछ होता है। मैं यहाँ पर स्टॉक के ऊपर बुलिश हूँ, मैंने टारगेट वगैरह सारा कुछ यहाँ पर देख के रखा है क्या कुछ हो रहा है। बाकी अगर कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन मुझको जो लगता है कंपनी बिजनेस करेगी अगले आने वाले दिनों में भी, आपको वोडाफोन आइडिया यहाँ पर नजर आएगा। इंडिया के ऊपर आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी है तो समझ ही सकते हैं, और यहाँ पर वोडाफोन जो यूके बेस्ड जो पेरेंट कंपनी है तो कोई भी यहाँ पर छोटा नहीं है। पैसा इनके पास, इनके पेरेंट्स के पास मतलब जो प्रमोटर ग्रुप है इनके पास पैसा तो है, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं वो सारा कुछ देखने वाली बात है। पैसा इनके बिजनेस में, वोडाफोन आइडिया के बिजनेस में पैसा आता है या नहीं, ये सारा कुछ देखने वाली बात है। मुझको जो लगता है ये कंपनी इतनी आसानी से इंडिया से चले नहीं जाने वाली, और इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी यहाँ पर रहेगी तो तीन कंपनी यहाँ पर रहेगी जरूर, जियो, आइडिया और यहाँ पर जिसको कहते हैं भारती एयरटेल। तो आप, मैं आपको कहना चाहूंगा सर आप तीन कंपनी के ही स्टॉक अपने पास रखिए, अगर कोई गिरता है तो मतलब मानकर चलिए अगर वोडाफोन गिरता है तो भारती बढ़ेगा, अगर भारती गिरता है तो जियो बढ़ेगा, अगर जियो गिरता है तो भारती और आइडिया दोनों बढ़ेंगे। तो अगर कोई यहां पर किसी का अगर बुरा वक्त आता है तो मानकर चलिए तीनों में से एक का अगर बुरा वक्त आता है तो दो फायदे में रहेंगे। तो आप एसेट एलोकेशन को समझिए और तीनों कंपनी में भी थोड़ा बहुत करके यहां पर खरीदारी कर सकता है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो मैं इस कंपनी के ऊपर लंबी अवधि के लिए बुलिश हूं, और मेरे से पूछे तो मैंने यहां पर टारगेट वगैरह सारा कुछ एक वीडियो में देके रखा हुआ है, आप जाइए उस वीडियो को सर्च कीजिए, फाइनल टारगेट करके ये वीडियो है तो सर्च कीजिए, और इस खबर के चलते आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो फ़ायदा है, तो मेन जो मेजर फ़ायदा है वो वोडाफोन ग्रुप को होगा जो यूके बेस है, तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा अगर आप मेरे से पूछे तो वोडाफोन आइडिया को यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर मेरे से पूछे तो मैंने आपको कह दिया है कि अगर पेरेंट्स को यानी कि बाप को अगर फ़ायदा होगा तो बेटा भी उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो यहाँ पर ज़रूर से उसको भी मिलेगा, तो देर से ही सही लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। अगर यहाँ पर प्रमोटर स्ट्रांग होते हैं तो प्रमोटर अपने छोटे मोटे सब्सिडरीज के लिए
निवेश कुछ भी तो करेंगे, तो देखने वाली बात है वो कब कुछ किया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा कुछ आता है। अगर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर कंपनी थोड़ा बहुत दिक्कत में आ सकती है। आपको मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कीजिए। ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया छोटी स्टॉक, यहाँ पर छोटा स्टॉक आपको नजर आ रहा है, लेकिन मानकर चलिए बिजनेस बहुत ही बड़ा है। तो स्टॉक का प्राइस 10 रुपये 20 पैसा 25 सितंबर 2020 के ऊपर आप देख रहे हैं, तो इसके प्राइस के ऊपर मत जाइए। जब स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखेगा उसी दिन खरीदारी कीजिए, अदरवाइज आप इसमें हरे निशान में जब रहेगा तब इसमें खरीदारी करने की मत सोचिए। ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, जब जब स्टॉक आपको गिरता हुआ दिखे थोड़ा बहुत 5-10 करके ऐसा करके क्वांटिटी उठाइए। ऐसा नहीं कि छोटा स्टॉक है एक दिन में 5000 क्वांटिटी उठा लेना है, ऐसा यहाँ पर स्ट्रेटेजी नहीं नहीं है। छोटा छोटा अमाउंट यहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनने की संभावना मुझको नजर आती है, बाकी सर आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से यहां पर रिसर्च कीजिए और एनालिसिस कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए, अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है आप तो यहां पर सोचेंगे ही कि भाई तुझसे तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो हम लोग तो यहां पर कमेंट जरूर करेंगे, तो कीजिए सर, शौक से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।